मेरा नाम है तुलेश और मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूबर हो और आप लोग को पता होना चाहिए कि आप अपना मतलब यूट्यूब कैसे मैनेज कर सकते हो उसको, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि यूट्यूब को कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए आपको YT स्टूडियो में जाना होगा। YT स्टूडियो में आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और उसे डाउनलोड करने के बाद आप YT स्टूडियो में जाओगे। उसके बाद यहाँ पर थ्री थ्री डॉट दिया होगा, उसके ऊपर जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने वॉच टाइम हुआ है, कितने व्यूज़ हैं, और आपका सब्सक्राइबर चेंज किस तरह से हो रहे हैं, इससे आपको डैशबोर्ड में पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग को वीडियोस में जाना है, वीडियोस में जिसमें आपको आप जितना भी वीडियो अपलोड किए होंगे उससे पता चल जाएगा, मतलब कितना वीडियो अपलोड किए हो और कितना लाइक मिला है, कमेंट मिला है, कौन से वीडियो में कितना लाइक है, कितना कमेंट है, हाँ कितना व्यूज़ हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो इसमें अपन लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोग अपना थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जो पेन के बटन में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप थंबनेल चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, अपना जो पब्लिक है किस में शेयर करना चाहते हो ये सब अनलिस्टेड कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, और अगर चेंज नहीं कर सकते हो तो इसको कैंसिल कर दीजिए। आप अपना प्लेलिस्ट भी चेंज कर सकते हो, एड टैक्स डाल सकते हो इसमें और नया टैक्स आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जाकर अपना थंबनेल चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से इसमें ये भी मतलब इस वीडियो में कितना व्यूज़ है, कितना कमेंट है, कितना लाइक है, कितना डिसलाइक है, ये सब आप इस वीडियो में मतलब जो वीडियो आप क्लिक किए उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, थ्री डॉट में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चलते हैं। प्लेलिस्ट में आपका कितना प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में आपका कितना वीडियो है उस मतलब उसके बारे में पता चलता है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप अपना प्लेलिस्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज थ्री डॉट पेन के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपना मतलब पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन टाइटल ये सब आप आसानी से चेंज कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कमेंट में जाएंगे, कमेंट में आपका पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि कितना कमेंट हुआ है और कौन कितना मतलब कमेंट किया है, क्या क्या है, कौन लाइक किया है, कौन डिसलाइक किया है, आप यहाँ पर अब पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पब्लिश्ड में आप पता चल जाएगा हेल्ड फॉर रिव्यू मतलब हुआ है कि स्पैम हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप पता कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद फिर थ्री डॉट में आप क्लिक करेंगे, फिर एनालिटिक्स में जाएंगे और यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि कौन सा कितना व्यू हुआ है, रियल टाइम व्यू जो है कितना हुआ है, और रियल टाइम पब्लिश्ड वीडियोस मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा बार देखा गया है, वॉच टाइम कितना हुआ है, व्यूज़ कितना हुआ है, रन ड्यूरेशन व्यूज़ कितना है, सब्सक्राइबर चेंज कितना है, लाइक्स कितना है, ये सब आप टॉप वीडियोस आप पूरे यहाँ पर डिटेल्स एनालिटिक्स कर सकते हैं, ओवरव्यू है। उसके बाद आप डिस्कवरी में जाओगे तो इम्प्रेशन कितना हुआ है, इम्प्रेशन क्लिक थ्रो कितना है, ट्रैफिक सोर्स कौन सा है, चैनल पेजेस, यूट्यूब सर्च, ब्राउज फ्यूचर, डायरेक्ट्स फॉर अननोन अदर्स, इतना इतना परसेंट है, टॉप एक्सटर्नल सोर्स क्या है, टॉप यूट्यूब सर्च टीम, टॉप वीडियोस सजेस्टिंग फॉर योर कमेंट मतलब, और टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कमेंट, ये सब के बारे में आप आसानी से
डॉलर कर सकते हो। और यहाँ से आप ऑडियंस में जाकर जेंडर, कौन से जेंडर कितने लोग लिखे हैं, जो वीडियो देखे हैं उसका एज कितना तक है, टॉप कंट्रीज़ है, कौन से देश की कंट्रीज़ कितना वीडियो देखे हैं, तो इंडिया है, और टॉप सबटाइटल्स, सबटाइटल्स वॉच टाइम कितना है, ये सब के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में कौन से प्लेलिस्ट को कितने बार देखा गया है, टॉप प्लेलिस्ट कौन सा है, ये सब के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में कितनी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर वाइटी स्टूडियो ऐप डाउनलोड करके आप पता कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।